रात का समय था। बिरजू और हीरा किसी काम से नदियापुर गांव जा रहे थे। हीरा, अरे चलते चलते मेरे पैर जवाब दे चुके हैं, गर्मी भी लग रही है, चलो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं। अरे यहाँ रुकना सही नहीं है, ये जंगल है। अरे नदियापुर गांव जंगल के बीच ही बसा है, चल थोड़ा सुस्ता लेते हैं, वैसे भी शाम तो हो ही गई है। बिरजू की बात सुनकर हीरा ना चाहते हुए भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उन दोनों के कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज टकराई। बिरजू भैया, तुमने कुछ सुना? यहाँ जंगल में कौन सा बच्चा रो रहा होगा? आवाज तो मेरे भी कानों में आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। बिरजू और हीरा आसपास नजर दौड़ाने लगे, तभी उन दोनों की नजर एक बच्चे पर पड़ी। वो दोनों उस बच्चे के करीब चले गए। बिरजू भैया, यह बच्चा तो यहाँ अकेला है, यहाँ तो आसपास कोई मौजूद नहीं। बिरजू उस बच्चे को गौर से देखने लगा, उसके चेहरे पर डर और भय के साए लहराने लगे। यहाँ से भाग हीरा। अरे क्या हुआ, अचानक तुम्हारा चेहरा फटे हुए पपीते जैसा कैसे हो गया? हीरा गौर से देख, ये बच्चा कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि कागज का बच्चा मालूम पड़ता है। बिरजू के कहने पर हीरा उस बच्चे को गौर से देखने लगा। बिल्कुल सही कह रहे हो बिरजू भैया, यहाँ से भागो। वो दोनों डरते हुए वहाँ से भाग गए। मगर उसी नदियापुर गांव में झुमरी नाम की एक सुंदर स्त्री अपनी 5 वर्षीय बेटी चमकी और पति के साथ रहती थी। झुमरी का पति बहुत गरीब था। एक दिन झुमरी का पति बसंत दोपहर के समय अपने घर पर उदास बैठा था। अजी क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? काफी दिनों से मुखिया जी से अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ, लेकिन वह दे ही नहीं रहे। उनसे कहते क्यों नहीं कि हमारे घर में राशन भी खत्म होने को है? अगर आप वहाँ हमें समय पर पैसे दे सकते तो फिर ऐसी जगह काम करने से क्या फायदा? क्या बात है बसंत, तुम यहाँ कैसे? मुखिया जी, आपने मुझे 6 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी, मेरे घर पर राशन खत्म होने का है। मत भूलिए, मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी हैं। तो मैं क्या करूं? तूने क्या अपनी बच्ची क्या मुझसे पूछकर पैदा की थी क्या? मुखिया जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ, मुझसे बदतमीजी से बात मत कीजिए। तुमने नौकरों को ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है मुखिया, अगर ये मेरा नौकर होता तो मैं इसका लात घूसों से ऐसा स्वागत करता कि ये फिर कभी किसी से जुबान लड़ाने की काबिल नहीं रहता। तो फिर इसने काम में मैं क्यों देरी करूं? इतना बोलकर मुखिया बसंत को बुरी तरह से पीटने लगा और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जा, नहीं देता तेरे पैसे, जिससे शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बसंत रोते हुए घर आ गया। और सारी घटना अपनी पत्नी झुमरी को बताने लगा। चिंता क्यों करते हैं जी, ईश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही, घर का राशन खत्म होने को है, आज तो मेरे पास चमकी के दूध के भी पैसे नहीं बचे, मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, मैं अपने पड़ोस में रहने वाली अनीता से कुछ पैसे उधार मांग लेती हूँ, आप बस ऐसे उदास मत बैठिए, और हाँ कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। झुमरी की बात सुनकर बसंत मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद झुमरी पड़ोस में अपनी दोस्त अनीता के घर गई। आओ झुमरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अगर तुम नहीं आती तो कुछ देर में वैसे ही मैं तुम्हारे घर आने वाली थी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, आजकल मेरे पति को कहीं काम नहीं मिल रहा, बोल रहे थे बाजार में काफी मंदी चल रही है। ये बात तो सही है, सभी जगह बुरा हाल है झुमरी। इतना कहकर अनीता ने कुछ पैसे झुमरी के हाथ में पकड़ा दिए। मैं तुम्हारे ये पैसे बहुत जल्दी चुका दूंगी। अरे जब मर्जी आए तब चुका देना, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं कुछ समझी नहीं। देख झुमरी, आजकल का जमाना बदल गया है,
मुझे देख, मेरे पति भी काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ। क्यों ना तुम भी अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो, कुछ पैसे घर आएंगे तो अच्छा ही होगा। तुम सही बोल रही हो अनीता, मन तो मेरा भी बहुत करता है लेकिन मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। तुम उसकी चिंता मत करो चुमरी, मैं कागज के बहुत अच्छे खिलौने बनाती हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जिस तरह से बाजार में मैं ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेचती हूँ, उसी तरह तुम भी बेचना, एक से भले दो। झुमरी को अनीता का ये उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद झुमरी अनीता के साथ कागज के खिलौने बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों में झुमरी कागज के खिलौने बनाने में निपुण हो गई। अरे वाह झुमरी, तुम तो मुझसे भी अच्छे कागज के खिलौने बनाने लगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। नहीं अनीता, तुमसे अच्छे तो मैं कभी नहीं बना सकती, आखिर तुम मेरी गुरु ठहरी। ठीक है झुमरी, तुम पहले इम्तिहान में तो पास हो गई, बल्कि यूं कहो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हो, और तुम्हारी दूसरी और आखिरी परीक्षा और होनी है। अब मुझे कौन सी परीक्षा पास करनी है? कल तुम मेरे साथ बाजार में खिलौने बनाकर बेचोगी, देखते हैं किसके खिलौने ज्यादा बिकते हैं। अगले दिन झुमरी अनीता के साथ दूसरा ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेचने के लिए खड़ी हो गई। कुछ ही देर में झुमरी के सारे खिलौने बिक गए। अरे वाह झुमरी, मेरे ठेले में तो कुछ थोड़े खिलौने बचे हैं, लेकिन तुम्हारे तो सारे खिलौने बिक गए। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, ईश्वर हर किसी को अपने अपना नसीब देता है। उस दिन के बाद अनीता और झुमरी रोज सुबह बाजार में कागज के खिलौने बेचने जाती, शाम तक झुमरी के सारे खिलौने बिक जाते। झुमरी के दिन अब बदलने लगे थे। एक दिन बसंत झुमरी से बोला, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे झुमरी, जो मुझे इस जन्म में तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। ऐसी बातें क्यों करती हैं जी, अगर पति पत्नी के हर दुख में पति उसका साथ देता है तो क्या पत्नी उसके दुख में उसका साथ नहीं दे सकती? मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि मुझे चौधरी के खेतों में काम मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, अब हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी, अब हम अपनी बिटिया रानी को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकेंगे। झुमरी की बात सुनकर बसंत मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। एक दिन की बात है, झुमरी और अनीता बाजार में ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेच रही थीं कि तभी मुखिया कुछ लोगों के साथ वहां आ गया। कैसी हो झुमरी, देख रहा हूँ तुम्हारे खिलौने आजकल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, और तो और तुम्हारे वस्त्र भी बता रहे हैं कि तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है। सब ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, यहाँ कैसे? बात यह है झुमरी कि हमारा गांव दो नदियों के बीच में है, वर्षा प्रारंभ होने वाली है और मुझे सूचना मिली है कि इस बार हमारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। इस तरह से तो गांव वालों का जीवन यापन बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। झुमरी तुमसे भी मैं चंदा लेने आया हूँ। झुमरी ने उस दिन की सारी कमाई मुखिया के गुल्लक में डाल दी और साथ ही साथ उसकी दोस्त अनीता ने भी। झुमरी मैं सारे गांव वालों से चंदा लेकर उनके लिए शहर से अच्छे कंबल और बहुत से खाने पीने की वस्तुएं लेकर आऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है मुखिया जी, वैसे भी तुम मेरे पति की 6 महीने की तनख्वाह रोके बैठे हो, देखते हैं गांव वालों की कितनी मदद करते हो। अरे तुम अभी तक अपने पति की मार को दिल पे लगाए बैठी हो, मगर वह मुझे आकर बदतमीजी से बात कर रहा था। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। दिन ऐसे ही बीतने लगे, मगर झुमरी ने देखा कि मुखिया शहर से कुछ भी लेकर नहीं आया। एक दिन की बात है, मुखिया अपने मुनीम प्रेमचंद से बातें कर रहा था। झुमरी अपने पति बसंत के साथ काम से जा रही थी। मुखिया को देखकर झुमरी मुखिया से बोली, मुखिया जी 1 महीने पहले आप सारे गांव वालों से चंदा लेकर गए थे, ये बोलकर कि हमारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आने वाला है, वर्ष प्रारंभ होने वाला है, मगर मुझे तो अभी तक कोई इंतजाम नहीं दिखता। झुमरी की बात सुनकर मुखिया बुरी तरह से तिलमिला कर रह गया।
तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुमने 10-20 लाख रुपया चंदे में दिया हो। अरे 100-150 चंदे में डालकर अपने आप को क्या समझ रही हो? मुखिया जी, आपको इस तरह से मेरी पत्नी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। मुंह बंद रख बसंत, पिछली बार की माल भूल गया क्या? गांव में तेरी पत्नी के अलावा न जाने कितने लोगों ने मुझे चंदा दिया है, उन्होंने तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। यहाँ से चला जा वरना तेरा फिर से मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा। बसंत अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया। देख रहे हो मुखिया जी, इस बसंत की पत्नी के कागज के खिलौने बाजार में क्या बिकने लगे, यह तो अपने आप को आपसे भी बड़ा समझने लगा। सही कहा तुमने, जब तक मैं इन दोनों पति पत्नी को गांव से धक्के देकर बाहर नहीं निकलवा देता मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। वैसे क्या वास्तव में अपने गांव में बाढ़ आने वाली है? अरे कोई बाढ़ वाढ़ नहीं आने वाली है, ये न्यूज वाले तो वैसे भी हर साल यही खबर चला देते हैं कि बाढ़ आने वाली है, गांव डूबने वाला है, और मैं इसी खबर का फायदा उठाकर गांव से अच्छा खासा चंदा वसूल लेता हूँ। हर साल की तरह इस बार भी कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद मुखिया ने झुमरी और उसके पति बसंत के खिलाफ गांव में कान भरने शुरू कर दिए। गांव वाले मुखिया की बातों में आकर झुमरी और बसंत को अपना दुश्मन समझने लगे। झुमरी से उन सब ने झुमरी के कागज के खिलौने खरीदने बंद कर दिए। थक हार कर बसंत और झुमरी अपने घर पर ताला लगाकर दूसरे गांव की ओर चल दिए। झुमरी एक जंगल में बैठकर आंसू बहाती हुई बोली, ये सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। दिल छोटा मत करो झुमरी, तुमने तो सच बोला है और सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और बोतल में सिर्फ चमकी का आधा गिलास दूध बचा है। झुमरी ने इतना कहा ही था कि तभी एक दूसरे बच्चे के रोने की आवाज झुमरी के कानों में टकराई। झुमरी ने देखा कि एक पेड़ के नीचे सुंदर सा बच्चा रो रहा है। ये किसका बच्चा है? पता नहीं झुमरी, यह किसका बच्चा है, लेकिन मुझे तो यह बहुत भूखा लगता है। मेरे पास भी आधा बोतल दूध है, अगर मैं इसे पिला दूंगी तो हमारी चमकी भूखी रह जाएगी। चिंता मत करो झुमरी, यह बच्चा कई दिनों का भूखा मालूम पड़ता है, पहले इसे दूध पिला दो। झुमरी उस बच्चे को दूध पिलाने लगी। उस बच्चे ने दूध पिया ही था कि तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उस बच्चे का आकार बड़ा हो गया और वो एक सुंदर नवयुवक में परिवर्तित हो गया। कौन हो तुम? मैं एक जादुई कागजी पुरुष हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पास सिर्फ आधी दूध की बोतल थी और तुमने अपने बच्चों को ना पिलाकर वह मुझे पिला दी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अब से जो भी कागज के खिलौने बनाओगी उनमें जादुई शक्तियां आ जाएंगी। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, तुम्हारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आने वाला है, कल तुम्हारे गांव में तबाही ही तबाही मच जाएगी। इतना कहकर सुंदर पुरुष वहां से गायब हो गया। हम नहीं जा सकते, हमारा गांव मुसीबत में है। तुम सही कहती हो झुमरी, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए, और वैसे भी उस मुखिया ने हमारे खिलाफ गांव वालों के कान भरे हैं, वरना गांव वाले बुरे नहीं हैं। झुमरी और बसंत दोबारा अपने गांव वापस आ गए। झुमरी ने कल की तैयारी करनी शुरू कर दी। उसने एक बहुत सुंदर कागज की नाव बनाई। उसने उस नाव में अलग अलग तरह के बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए। देखते ही देखते उसकी कागज की सुंदर बड़ी नाव बहुत बड़ी हो गई और एक विशाल नाव में परिवर्तित हो गई। झुमरी अपने परिवार को लेकर उस नाव में चली गई। अरे झुमरी, यह तो लग ही नहीं रही कि यह कागज की है, इसकी दीवारें तो पत्थर से भी मजबूत मालूम पड़ रही हैं। उसने सही कहा था, इसके अंदर अद्भुत जादुई शक्तियां आ गई हैं। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे गांव को बारिश की बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। गांव वालों में हाहाकार मच गया और झुमरी नाव बाढ़ में तैराने लगी। झुमरी ने देखा कि उसकी दोस्त अनीता पानी में डूब रही थी। झुमरी ने तुरंत नाव को वहां जाने का आदेश दिया। अनीता, कागज की नाव के ऊपर आ जाओ, ये कैसा चमत्कार है। वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले अपने परिवार को लेकर ऊपर आ जाओ, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। अनीता अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गई।
उसने गांव के सभी लोगों को झुमरी की नाव के ऊपर ले लिया। सिवाय मुखिया के घर को छोड़कर मुखिया दौड़ता हुआ आकर बोला, मुझे भी नाव में ले लो झुमरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा दिल तुम्हारी तरह नहीं है मुखिया जी, आओ अपने परिवार को लेकर नाव के ऊपर आ जाओ। मुखिया अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गया और झुमरी की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सुलूक किया और उसके बाद भी तुमने मेरी कितनी मदद की। मुखिया जी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पता नहीं कौन कब किसके काम आ जाए। तभी अनीता झुमरी से बोली, झुमरी बाढ़ बहुत ज्यादा भयंकर है, हमारे गांव के अलावा और भी गांव बाढ़ की चपेट में आ गए होंगे, हमें उन सबकी मदद करनी चाहिए। झुमरी को अनीता की बात पसंद आ गई। झुमरी अपनी जादुई नाव को लेकर दूसरे गांव में गई और वो सबकी मदद करने लगी। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी जब उतर गया, तब झुमरी ने अपनी कागज की नाव में कागज के भोजन बनाना प्रारंभ कर दिए। झुमरी जैसे ही कागज के भोजन बनाती, वो असली भोजन बन जाते। अरे वाह झुमरी, यह कैसे संभव हुआ? कागज के भोजन असली भोजन कैसे बन जा रहे हैं? तुम्हें याद नहीं, उस जादुई सुंदर पुरुष ने हमसे क्या कहा था? तुम कोई भी कागज का खिलौना अगर बनाओगी तो उनमें जादुई शक्तियां आ जाएंगी। मुझे विश्वास था कि अगर मैं कागज के भोजन बनाना प्रारंभ करूंगी तो वो असली भोजन बन जाएंगे। ये ईश्वर ने हमारी मदद की है झुमरी, देखो ना इस तरह से कितने लोग भूखे मरने से बच जाएंगे। इस तरह से गांव में सभी लोग भूखे मरने से बच गए। कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक हो गया।